चलिए, हम लास्ट क्लास क्या बता रहे थे बाबू मेरे, हम क्या बता रहे थे, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च बता रहे थे। क्या बता रहे थे? रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च बता रहे थे ना। तो देखो, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च में क्या करते हैं बाबू, उसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, उसी को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट उसमें हम लोग करते क्या है, शांति से सुनिए। जब भी बाबू कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई सर्च है, जैसे मान लो यहाँ टू है और डिनोमिनेटर में बाबू क्या है, कोई दूसरा सर्च है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च में किसी का म्यूट अनम्यूट है बाबू, म्यूट कर लीजिए। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च में हम करते हैं क्या बाबू, जो डिनोमिनेटर में सर्च रहता है ना, उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं बाबू। वी हैव टू रिमूव द सर्च फ्रॉम द डिनोमिनेटर, है ना बाबू। डिनोमिनेटर से सर्च को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो कैसे करेंगे सर? तो इसका एक ही तरीका रहता है बाबू, एक ही तरीका रहता है। यहाँ से डिनोमिनेटर में जो सर्च है ना, इसको सर्च मतलब क्या, ये रेडिकल साइन को क्या करो बाबू, रिमूव कर दो, है ना। तो कैसे करेंगे बाबू सर, हाउ वी डू सर? इसके लिए क्या करना बाबू, जो डिनोमिनेटर में रहेंगे ना, उससे क्या करना, इधर डिवाइड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस करोगे तो उसको, इसके बाद इसको क्या करना, सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करना। तो टू मल्टीप्लिकेशन रूट टू इज नथिंग बाबू, टू और ये स्क्वायर रूट ऑफ टू, और ये देखो अब ये बाबू क्या है, रूट टू रूट टू। तो रूट टू टू यहाँ क्या ऑर्डर सेम है ना बाबू, मेरे ऑर्डर सेम है ना। अब ऑर्डर सेम है तो रूट टू मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, रूट फोर हो जाएंगे, है ना, ठीक है सर। आफ्टर देन बाबू ये कितना हो जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा, और रूट फोर की वैल्यू आपको बताएं टू होगा, है ना, है ना। कैसे सर? अरे बाबू मेरे ये फोर है ना, तो फोर है बाबू, तो इसको हम लोग टू का स्क्वायर नहीं लिख सकते, और यहाँ नहीं ऑर्डर है तो क्या टू है, ये टू टू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, टू बचेगा, है ना। तो टू हो गया, अब ये टू टू कैंसिल करके मेरा कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बाबू, रूट टू आ जाएगा, है ना। तो ये बाबू क्या हुआ, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च हो गया। मतलब क्या सर, डिनोमिनेटर में सर्च रहा, डिनोमिनेटर में सर्च नहीं ना रहा बाबू, है ना, डिनोमिनेटर सर्च नहीं रहा, है ना। तो डिनोमिनेटर से हम लोग सर्च का सिंबल हटा देंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है। मतलब क्या सर, डिनोमिनेटर मेरा कुछ नहीं रह सकता है बाबू, डिनोमिनेटर में रहेंगे लेकिन सर्च नहीं रहेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लेते हैं, इसमें तो डिनोमिनेटर में वन आ गया ना बाबू। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कितना है, थ्री बाई बाबू रूट सेवन। उसके बाद इससे टफ वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखो क्या करेंगे, अगर यहाँ से रूट सेवन है ना, रूट सेवन बाबू, तो इसको क्या करेंगे, रूट सेवन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ से रूट सेवन ऊपर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ठीक। जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो थ्री हो गया, आइए रूट सेवन हो गया, है ना, ठीक है सर। और ये बाबू रूट सेवन क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, सेवन का सेवन इंटू सेवन हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई हमेशा तभी करना बाबू जब ऑर्डर मेरा क्या रहेंगे, सेम रहेगा। तो सेवन इंटू सेवन कितना हो जाएगा, सेवन इंटू सेवन, सेवन का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, है ना। यहाँ नहीं कुछ बाबू, तो ऑर्डर क्या है, टू है। तो यहाँ देखो पावर भी टू, ऑर्डर भी टू, पावर भी टू, ऑर्डर भी टू। तो इस केस में हम लोग सर्च का साइन को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या होगा, सेवन हो जाएगा। तो अब देखो, पहले मेरा क्या था, वो डिनोमिनेटर में क्या था, स्क्वायर रूट आई है, रेडिकल साइन था। अब मैंने रेशनलाइजेशन करने के बाद बाबू ये रेडिकल साइन रहा नहीं ना रहा, तो नहीं, जो डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन रहता है ना, उसी को हम लोग रिमूव करते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च में, ठीक है ना। तो जब बाबू रिमूव कर देंगे डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से हम रेडिकल साइन रिमूव कर देंगे बाबू, तो इसी को इसी प्रोसेस का नाम है बाबू, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन थे बाबू, जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, है ना, लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था, ठीक है। समझ में आ रहा है शुभ जी बाबू, शुभ जी नहीं समझ में आ गया जो पूछेगा। अब बाबू हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेट नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है ना। इधर टर्न है बाबू, इधर आपका टर्न है, टर्न से बारी बारी पूछेंगे ना। आप लोग अपना तैयार रहे, शिवांगी है, नंदिनी है, अन्यथा तो नहीं आई है, इसको भी अब भगा ही देंगे। रिस्का है, ऋषभ है, सतीश है, ऋषभ का भी तो लगता है टिकट अब कटेगा ही। सतीश बाबू, शिवानी, शिवम, अभिनाश, ठीक है ना, और एक लास्ट में शुभ जी, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है बाबू। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बाबू लास्ट क्लास डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में टू टर्म आएगा, ठीक है ना, मतलब दो टर्म आ जाएगा या थ्री टर्म आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में इस तरह से रहेगा बाबू, ये टू प्लस और यहाँ से रूट थ्री रहेगा, ठीक है ना। मतलब डिनोमिनेटर में कुछ इस टाइप से अगर रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे रेशनलाइजेशन करेंगे वो आगे बता रहे हैं ना। तो कितना क्वेश्चन तक हो गया था बताइए शिवांगी बाबू, कितना क्वेश्चन तक हो गया? हम यहाँ पे नंबरिंग दें ना, क्वेश्चन का नंबरिंग देंगे ना, टेन। हम लोग इलेवन से मूव करते हैं बाबू, चलिए अच्छी बात है, इलेवन से मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी बाबू ये है रूट थ्री है, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या है बाबू, क्यू थ्री है ना, टू है, थ्री है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या प्लस माइनस से सेपरेट है ना बाबू, प्लस माइनस से सेपरेट है ना। तो इसको कैसे रेशनलाइजेशन करोगे, रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से जो रेडिकल साइन है ना, उसको हमको क्या करना, रिमूव करना। तो देखो जब भी प्लस माइनस से सेपरेट अगर रहेगा,
ठीक है ना, तो इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे प्लस है ना बाबू, तो इसी नंबर को लिख देना, इसी नंबर को लिख देना, हाँ सर लिख दे इसी सर्च को, ठीक है। और ये जो साइन रहेगा ना यहाँ प्लस रहेगा बाबू, तो हम लोग यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ सर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ऐसा क्यों करेंगे सर, ऐसा क्यों करेंगे बाबू, ऐसा इसलिए करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे बाबू कि आपको एगो फार्मूला पता है, कौन सा सर, एक यहाँ साइड में फार्मूला लिख लीजिएगा, जैसे बोर्ड पे लिखाते हैं इसी तरह से आपको लिखना है ना, सुंदर सा लिखना है कि नहीं। एक फार्मूला है बाबू, एक फार्मूला है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, क्या होता है शिवांगी बताइए, नहीं बताइए तो अटेंडेंस पे चढ़ा देंगे, आएंगे तो पीटेंगे आप, किसका लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ बाबू बाबू है ना, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। हाँ तो यहाँ इसी फॉर्मूला पे हम लोग बाबू, इसी जब भी हम लोग अपोजिट इसके यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक जो शर्त रहेगा ना, ऑटोमेटिक जो शर्त रहेगा बाबू इसी फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। इसको साइड में बॉक्स में बंद कर लीजिएगा ताकि आप रिवीजन करो बाबू, रिवीजन करो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है ना। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करो, हमारे सभी विद्यार्थी तेज तरह है ना। देखो बाबू वन इंटू समथिंग मल्टीप्लीकेशन, तो किसी भी नंबर में बाबू वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा तो वही रह जाएगा, तो ये रूट थ्री हो गया और ये रूट टू हो गया, ये रूट थ्री हो गया। अब देखो बाबू अगर इसको ए मानते हो तो ए प्लस बी इंटू क्या होगा बाबू, ए माइनस बी हो जाएगा है ना, दो टर्म हो गए ना। अरे बाबू इसको ए मानो ना, इसको बी मानो ना, इसको ए मानो ना, इसको बी मानो, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या सर, क्या सर, क्या सर बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या बाबू, ये रूट टू का स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बाबू नेक्स्ट किसका, नंदिनी का बारी है ना, ठीक है ना नंदिनी जी का सर, खत्म। हाँ बाबू फिर आपका टर्न आएगा ना, सभी स्टूडेंट्स का नाम को पूछना है, ठीक है बाबू। आफ्टर देन बाबू अब इसका वैल्यू कितना होगा सर बताओ नंदिनी, रूट टू का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर है ना, बताए ना तो आप मानिए घर में रहना। ये बाबू कितना, रूट थ्री रूट टू रूट थ्री है, तो रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री, रूट टू का स्क्वायर कितना होगा नंदिनी, है भी कि नहीं है, देखना पड़ता ना आप लोग को, नहीं है लगता, चलिए नहीं है, है। हाँ बाबू हाँ है, चलिए बोलिए, देखिए सर देखिए, देखना नहीं बताइए ना, रूट टू का स्क्वायर कितना लिखेंगे, टू माइनस थ्री। हाँ क्या करेंगे बाबू, रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, इस बार एकदम 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 कंठस्थ रहना चाहिए, ठीक है ना। अब उतना नहीं बताएंगे रूट टू का स्क्वायर कैसे होगा, हमको नहीं पता, एकदम ये सब आना चाहिए, रूट टू माइनस थ्री है ना बाबू। अब टू माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बताइए नंदिनी बाबू, नंदनी उसका साउंड नहीं आ रहा है, उसका माइक हुआ खराब, देखो टू माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा। अब इसको बाबू थोड़ा सा देखो, डिनोमिनेटर में माइनस वन है, एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। अब डिनोमिनेटर में माइनस वन आएगा तो इसको माइनस वन ऊपर ऊपर देखो, कहीं भी बाबू हमेशा ध्यान लीजिएगा, ए बटा माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं, माइनस ए बाई बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, डिनोमिनेटर में माइनस बहुत तो डिनोमिनेटर में माइनस कर सकते हैं, कैसे सर कैसे सर बाबू, ऐसे होता है इसका कंसेप्ट, ऐसे है एकदम बेसिक बेसिक कंसेप्ट याद रखे, ठीक है ना, यही छोटा छोटा भी नहीं ध्यान में आता, ठीक है ना। देखो कैसे करना बाबू, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, अगर कहीं भी बाबू a बाई माइनस बी है, ठीक है ना, a बाई माइनस बी बाबू, इसमें क्या करो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन से नोमिनेटर में, माइनस वन से बाबू डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस वन, माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए बाई बी हो गया। मतलब क्या सर, अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन है बाबू तो न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में लिखेगा तो माइनस ऊपर आ जाएगा और रूट टू माइनस रूट थ्री है ना। अब माइनस बाबू सब मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस क्या कीजिए बाबू, सभी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएंगे, ये रूट थ्री हो जाएंगे और माइनस रूट टू हो जाएंगे बाबू, माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट डाउन बाबू। किसको किसको समझ में नहीं आया, शिवानी आपको समझ में आया, शिवानी बाबू बाबू आप लोग एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, नहीं तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। हम कितना बच्चा की तरह डेली पढ़ाते रहेंगे, अब ये माइनस मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, ऐसे बाबू कितना थोड़ी बताएंगे बाबू,
आपको सौम्या ये आता है ना मल्टीप्लिकेशन? सौम्या बाबू हाँ बाबू नहीं आएगा तो पूछिएगा अपना। अन्यसा आप इतना एब्सेंट क्यों रहते हो बाबू? अन्यसा बाबू ये हमारी अन्यसा बहुत एब्सेंट रहती है, अनम्यूट कीजिए ना। अन्यसा बाबू नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है, भाग गई। आइए आइए सर, मैं भी तो पूजा करके बैठी हूँ पढ़ने। हाँ बाबू अच्छी बात है, आप लोग पूजा और पीरियोडिक टेबल का भी आरती दिखाना है, उसमें करना है हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 है ना बाबू, ऐसे करते रहना है, बेरिलियम 4, बोरन कार्बन 5 है ना। सर अभी तो मेरा नहीं आया है पर आज मैं जाके ले आऊंगी भैया से मंगवाऊंगी। हाँ बाबू याद कर रहा है सर पीरियोडिक टेबल। हाँ बाबू कुछ कुछ एलिमेंट को याद करिएगा ना। तो मैक्सिमम कितना तक याद करना है? कम से कम 30 तक बाबू, मिनिमम 30 तक, ठीक है ना, 30 तक याद रखे, ठीक है ना। 7 नाइट्रोजन, 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन बाबू, 8 ऑक्सीजन, 9 क्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है ना, इस तरह से आपको याद रखना है सभी के सभी। बहुत ही यूज पड़ेंगे बाबू, आप कोई भी एंट्रेंस दोगे, इंजीनियरिंग दो, मेडिकल दो, कहीं भी दो, तो वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बड़ा वाला लाइए, बड़ा वाला लाइएगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। अन्यथा बाबू कुछ बोलिए तो सही ना, कुछ बोल रही है, ठीक है। तो जब भी रेशनलाइजेशन आप स्टार्ट कराएगा ना, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ जो साइन रहेगा बाबू, यहाँ उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करना, और अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो फायदा क्या होगा ना, वो ऑटोमेटिक मेरा इस फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा, ठीक है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी पे फिट हो जाएगा। हाँ बाबू सर एक क्वेश्चन पूछना, जैसे ऊपर वाला जो रहता है वो रूट में रहे और नीचे वाला वो बिना रूट के रहता है, कैसे बनेगा? जैसे रूट 17/2। अरे बाबू तो उस टाइप का हम एक क्वेश्चन आपको नहीं दिए हैं बाबू, रेशनलाइजेशन दिए हैं वही तो नहीं बना, इसीलिए पूछ। ये रूट 70/2 है ना, तो बाबू इसमें रेशनलाइजेशन हम क्या बोले कि डिनोमिनेटर में सर्ट्स रहेगा तो उसको रिमूव करना, हटाना, तो यहाँ सर्ट्स है ही नहीं, तो इसको क्या हटाओ, इसको क्या रेशनलाइजेशन करो, मान लो इसमें रेशनलाइजेशन अगर, यही आंसर हो जाएगा। हाँ बाबू यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी करोगे तो अगर इससे करोगे बाबू तो अल्टीमेटली फिर तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, ये सर्ट्स आ जाएगा ना, हमको सर्ट से डिनोमिनेटर से रिमूव करना रहता है, समझे? कागो क्वेश्चन इसी फॉल्स क्वेश्चन दे दिया जाता है आप लोग ताकि सोचते रहो, ठीक है ना। डिनोमिनेटर पे अगर सर्ट अंडर रूट सर्ट मतलब सर्ट रहता है तो अभी वो होगा, नहीं तो नहीं, वो इतना ही आंसर नहीं बाबू। हाँ नहीं तो वो इतना ही रह जाएगा, ठीक है बाबू, इसको इरेज कर रहे हैं ना। तो जहाँ भी डाउट रहता है पूछिए, उसके बाद विजिटिंग करने आते तो वहाँ पूछिए, फिर भी डाउट रहता है। उसको बहुत बार बनाने का कोशिश की तो बना ही नहीं, समझ ही में नहीं आ रहा था, तो पूछ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद इसी में बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन है ना, और थोड़ा बेसिक अब आप लोग मजबूत कीजिए बाबू, नहीं तो हमारे यहाँ नहीं आप लोग का फिर अच्छी होगा, प्लस माइनस ये सब हम नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू अगर क्या है, नेक्स्ट क्या है बाबू, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बाबू अगर रूट 3 आ जाए और यहाँ पे बाबू माइनस आ जाए, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि आप क्या कीजिए, रेशनलाइजेशन कीजिए, रेशनलाइजेशन कीजिए, इसको बाबू इसको रेशनलाइजेशन कीजिए, है ना। तो हमेशा ध्यान दीजिए बाबू, मेरा तो वीडियो ही गायब हो गया बोर्ड वाला सर। हाँ बाबू सर, ऊपर अंडर रूट 3 की मतलब ऊपर ओनली 3 रहेगा और बाई अंडर रूट 2 रहेगा, तो बाबू आप समझते क्यों नहीं है बाबू, ऊपर 3 रहेगा नीचे सिर्फ खाली अंडर रूट 2 रहेगा, तो हो जाएगा इनटू 2 बाई इनटू 2, तो 3 रूट 3 और रूट 2 बाई 2, चलिए अच्छी बात, 3 रूट 2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बाबू, वेरी वेरी गुड। अब बाबू इसको कह रहा रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स करने का, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ये सर्ट्स है इसको हटा देंगे, मतलब डिनोमिनेटर में कोई आपको इरेशनल नंबर ले आना है, रेशनलाइजेशन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब क्या बाबू, 5 हो गया रेशनल नंबर है, 5 बाबू जैसे 5/3 मेरा क्या है एक रेशनल नंबर है, 7/3 क्या है एक रेशनल नंबर है, 1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, हाउ सर बाबू, बिकॉज बाबू वी राइट डिनोमिनेटर इन 1/1, तो 1/1 जो नंबर 3/3, हाँ बाबू जो नंबर बाबू 3/3, हाँ बोलिए ना सर, आप 11 के बाद ये वाला जो क्वेश्चन दिया 12 है ना? हाँ बाबू सॉरी बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो भी बाबू अगर इस 5/3, 7/3, 1/1, ठीक है ना,
ये भी रेशनल नंबर है सर। नहीं बाबू, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड बाबू क्या, रेशनल नंबर। आप लोग अपने लेवल में समझो बाबू, जो नंबर फ्रैक्शन में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। सो दीज आर इन फ्रैक्शन बाबू, दिस इज ऑल्सो इन फ्रैक्शन। और ये नंबर भी आपका फ्रैक्शन में ना बाबू, कैसे सर, हाउ सर, बिकॉज बाबू डिनोमिनेटर में क्या है आपका वन है, तो ये भी आपका फ्रैक्शन है, तो ये सब बाबू क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स में जानते हो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स में बाबू हम लोग यही करते हैं, रेशनल नंबर ही लाने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, ठीक है सर। तो बाबू नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन मेरा क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ क्या था, प्लस वाला था, अब यहाँ क्या है, माइनस है। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, एकदम बच्चा की तरफ पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, जो यहाँ साइन रहेगा ये सर्ट का वैल्यू वही लिखेंगे बाबू, खाली साइन अपोजिट करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमिनेटर डोमिनेटर में दोनों में कर देंगे, तो ये रूट टू हो गया और प्लस कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो बाबू रूट थ्री को इसे मल्टीप्लाई कीजिए, या रूट थ्री हो गया बाबू, मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा और प्लस रूट थ्री हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, कौन बताएगा नेक्स्ट बारी, अन्यथा की है, ये तो सुन नहीं रही है। ठीक है नेक्स्ट बाबू, अब देखिए यहाँ क्या है, ए प्लस बी, ये बाबू इस तरह से नहीं है, बताइए रूट टू माइनस रूट थ्री और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रूट टू और प्लस रूट थ्री, है ना। ठीक है, अब बाबू क्या है ये, ए माइनस बी है और ए प्लस बी हो गया, इसको ए मानो तो ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ ने सब बाबू, अन्य बाबू लेट मत कीजिए बाबू, अन्य बाबू हमारे शुभ जी का नहीं बताएगा तो हम टर्न को आगे कर देंगे, ठीक है ना। आए आपको इस बार आइए ना, आपको बहुत पीटते हैं ना, ना सुन रही है बाबू, चिल्लो के पढ़ना ना सर, क्यों ऐसे कर रहे बाबू, अनम्यूट तो कीजिए, बोलिए अन्यथा क्यों ऐसे कर रहे हो आप, आपका भी नहीं पीटेंगे, जाइए आपको नहीं पीटेंगे, एकदम नहीं बोलेगी, चलिए छोड़िए। आप बताओ इसका, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए सर, अंडर रूट टू, अच्छा अंडर रूट टू, जल्दी कीजिए, माइनस थ्री माइनस माइनस अंडर रूट थ्री ऊपर, अरे पहले न्यूमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए ना, वो तो माइनस कहाँ से आएंगे, अंडर रूट सिक्स, हाँ अंडर रूट सिक्स, हाँ ये बात हुई कुछ, पहले न्यूमिनेटर वाला को मल्ट, उसके बाद बाबू अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री थ्री, अरे बाबू मेरे रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट नहीं होगा, ओनली थ्री होगा सर, थ्री होगा ना, दो बार है ना मल्टीप्लाई, यस सर, हाँ बाबू मेरे सर, रूट थ्री से देखो मल्टीप्लाई, हाँ बाबू बाबू देखो रूट थ्री से इसमें भी मल्टीप्लाई करो तो रूट थ्री इंटू रूट टू कितना होगा, रूट सिक्स होगा, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो ना रिस्का, तो रूट थ्री कितना नाइन हो जाएगा, रूट नाइन हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए रिस्का, इसका बताइए जल्दी से, नहीं सर अंडर रूट टू, अंडर रूट टू टू माइनस अंडर रूट थ्री, माइनस अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट सिक्स। बाबू आप कौन सा चैनल पकड़ लिया मेरे बाबू, नहीं समझ में आ रहा है, रूट टू माइनस रूट थ्री, रूट टू प्लस रूट थ्री, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी फार्मूला तो ना है बाबू मेरे, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। रिस्का नहीं समझ में आ रहा बाबू मेरे, गलती हो गया मल्टीप्लाई करने में बाबू, अरे तो इसको ए मानो, नहीं समझ में आता तो सभी स्टूडेंट समझ रहे, ये इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ये आपका फॉर्मूला नहीं हो गया, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ये क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी हो गया, तो फॉर्मूला नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा वो, ये रूट टू का स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर। नेक्स्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा इसका, बताइए जल्दी बताइए बाबू, इसका सर बता रहे हैं सर टू ही होगा, हाँ इसका इसका भी थ्री होगा, हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट किसका बारी है, सतीश बाबू का, तो ये तो बच्चा बोला होगा बाबू, चलिए इसका कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, नाइन का थ्री हो जाएगा बाबू, और ये टू हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, अल्टीमेटली कितना आएंगे बाबू, माइनस ऊपर कर देंगे, माइनस वन आएगा तो माइनस ऊपर कर देंगे बाबू, तो माइनस ये रूट सिक्स हो गया प्लस थ्री हो गया, राइट डाउन कीजिए बाबू, आप माइनस बाबू यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन विद बाबू दिस नंबर, सर माइनस बीस में भी रहेगा तो ऊपर चला जाएगा,
बाबू माइनस बीच में नहीं ना बाबू, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, टू माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, माइनस वन, माइनस वन। हाँ तो माइनस वन डिनोमिनेटर में रहता है, न्यूमिनेटर में रहे, अभी आपको कंसेप्ट बताया ना, एक हमारे अभिनव अभिनव प्रकाश जी लगता नहीं आए क्या, नहीं समझ में आया रिश्ता बाबू, आप लोग माइंड तेज, माइंड थोड़ा तेज कीजिए ना, हमारी अन्य ये सौम्या समझ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। सौम्या बाबू आ रहा है समझ में ना? ये सर आ जा रहा है, प्रैक्टिस करने से फिर और अच्छे से हो जाता है। हाँ क्वेश्चन कुछ दे देंगे बाबू, तो थोड़ा आप लोग तेज स्टूडेंट साथ रहिएगा तो तेज बनेगा, माइंड तो है बस, फॉर्मूला अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो बहुत इजी है। हाँ बाबू इजी है, अन्य साथ और कुछ बोल मान लीजिए कि अंडर रूट थ्री बाई अंडर रूट टू हुआ ओनली बस, तो अंडर रूट टू इज अंडर रूट टू। हाँ बाबू अरे उस टाइप का सिक्स मैंने स्टार्टिंग में छह सात प्रॉब्लम उसी टाइप का करवाया बाबू, इजी है सर। तो अंडर रूट थ्री बाई अंडर रूट टू तो इनटू कितना करेंगे, अंडर रूट टू टू करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सर ऐसा 10 क्वेश्चन आप दिए थे। हाँ बाबू नहीं बनाई होगी, शैतान है ना, नानी घर जाके नानी के पास रह रही है, बनाए वही तो चेक कर रहे हैं। चलो इरेज कर रहे हैं बाबू, इरेज कर रहे हैं सर, तो इसका आंसर होगा अंडर रूट सिक्स बाई टू। हाँ बाबू अंडर रूट सिक्स बाई टू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाबू 13, इसको आप लोग कीजिए तो जल्दी से, जल्दी से बाबू, कौन पहले करती है, रूट टू प्लस वन है बाबू, ये टाफ वाला होगा, इसको बाद में करते हैं ना, इसको बाद में करते हैं, एक बच्चे वाला पहले लिखिए, ये कितना हो जाएगा रूट टू बाबू, और कितना है रूट टू माइनस वन है, बच्चा वाला है इसको, बच्चा वाला कीजिए तो जल्दी से कीजिए, शुभ जी जल्दी से कीजिए, डू फास्ट बाबू, शुभ बाबू हमारे अभिनव प्रकाश एक नहीं आया आज है ना, अभिनव प्रकाश जी नहीं आया, शुभ जी दस थोड़ा देर के बाद वीडियो बंद हो जाएंगे, 10 मिनट के बाद, तो पुनः आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, सौम्या है, नंदनी है, रिश्का है, आप लोग सॉल्व कीजिए बाबू, हम अटेंडेंस ले लेते हैं जब तक, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा फास्ट कीजिए बाबू, टू प्लस रूट टू, देखो करने वाला कर लिया सभी स्टूडेंट हमारे, रूट टू प्लस टू, शिवांगी नंदनी अन्यसा आई है, रिश्का भी आई है, सर रूट टू प्लस टू, अच्छा बाबू ठीक है देख रहे हैं, फाइव बाबू सिक्स नंबर, वाह बाबू शिवानी शिवम है ना, अभिनव प्रकाश आज क्या हो गया इसको, अभिनव प्रकाश बाबू गया बाबू, सौम्या 10 तारीख सौम्या आई है, प्रकाश सिंह भी आया है, शालिनी आर्यन आनंद, आपका भी नाम चढ़ा दे बाबू, शुभ जी शुभ बाबू, शुभ बाबू बोलिए कुछ, आप भी अनसा की तरह ही हो, शुभ जी नहीं है, चलिए रहने दीजिए, सर रूट टू प्लस टू आता है, यस सर रूट टू प्लस टू, हाँ चलिए वेरी गुड, हमारे सभी स्टूडेंट बना लिए, रिश्ता आप बनाई रिश्ता बाबू, यस सर रिश्ता बना ली, शिवांगी बना ली, नंदनी बना ली, शिवानी भी बना ली, अब प्रकाश सिंह आप बाबू, आप तो कुछ बोले ही नहीं सर, उसका तो नाम लिया ही नहीं, किन का बाबू, शिवम, अच्छा शिवम, प्रकाश सिंह आपका बाबू बना कि नहीं बना, यस सर बन गया है ना बाबू, ठीक है ईमानदारी से पढ़ना, टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाना है ना, कुछ नहीं सब करना बाबू, जानते हो किस क्लास का है, नहीं बताएंगे नहीं तो डर जाएगा, ठीक है ना, थर्ड क्लास का बाबू हमारे सिलेबस में, ठीक है, मतलब थर्ड क्लास का आपको हमको बताना पड़ रहा है, आपके सिलेबस पे था असली में तो ये 10 का है, नहीं बाबू 10 का नहीं, थर्ड क्लास का, सर 9 का,
समझ में आया कि नहीं आया? 8-9 से मतलब नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, ये सब थर्ड में पढ़ते नहीं, वो कैसे करेंगे? इसको कुछ नहीं करना बाबू, इसको यहाँ रूट टू है ना, तो यहाँ रूट टू लिखेंगे सर, यहाँ माइनस है सर, तो यहाँ प्लस लिखेंगे बाबू, और जो जो न्यूमिनेटर में लिखेंगे बाबू वही डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो रूट टू प्लस वन हो गया। जिसका गलती है बाबू ये कर लीजिए, मैच कर लीजिए ना बाबू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो किसका बारी है? सतीश का बारी, हाँ सतीश का बारी। सतीश बाबू आप बताओ, रूट टू को मल्टीप्लाई करोगे रूट टू से प्लस वन से, है ना? अब बट्टा बाबू कितना होगा, इसकी वैल्यू बताओ, डिनोमिनेटर में वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ सतीश। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। हाँ तो कितना होगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देखो ना पिटाएगा। इसको ऊपर वाला न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करके जल्दी बोलिए। √4। अच्छा चलिए √4, ठीक है। आफ्टर देन बाबू प्लस वन, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 2 माइनस 1। 2 माइनस 1, बहुत अच्छा। तो ये कितना हो जाएगा? √4 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप लोग क्या क्या बोल रहे थे बाबू, आप लोग क्या क्या बोल रहे थे, कहीं गलत हुआ क्या बाबू? सर √2 × √2 क्या होता है? 2 होता है कि √4 होता है? सर 1 की 2 होता है, √2। ये 4 की वैल्यू कितनी हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, तो 2 + √2 हो जाएंगे, है ना? चलिए सर, हम लोग डायरेक्ट वो कर दिए थे, √2 × √2 होगा तो 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, आप हाँ, तो डायरेक्ट कर दिए थे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी। लेकिन हमको हमारे पास सभी टाइप के स्टूडेंट है ना, तो हमको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है बाबू, ताकि किसी को स्किप ना करे, ऊपर से ऐसे भार ना हो जाए ना। हमको स्टेप बाय टीचर सभी स्टेप बाय स्टेप ही बताते हैं। बाबू आगे आगे अभी इसमें बताना, ये आईफोन कौन है? शुभ जी है, आईफोन कौन है बाबू? हुई आईफोन, अच्छा शुभ बाबू है। तो बाबू आप अपना नाम हटा क्यों लिया? शुभ बाबू हाँ बाबू, आप अपना नाम बार बार, नेटवर्क नहीं चेंज हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो हम पूरा क्लास मिस कर गए, हम देख रहा हूँ आज सब किए हुए हैं। अच्छा तो वीडियो देख, लेक्चर देख लीजिएगा वीडियो, है ना? अपलोड करेंगे लेक्चर देख लीजिए, है ना? हरी हरी प्रैक्टिस कीजिए, हरी कीजिए बाबू, म्यूट कर लीजिए शुभ जी, आपका मौसा जी बोल रहे हैं कुछ पीछे से। बाबू इसको प्रैक्टिस कीजिए, √2 + 1 और √2 - 1। हरी अब बाबू, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे स्टूडेंट को होल लाइफ में कभी नहीं दिक्कत होंगे, पढ़ाने का यही तरीका बाबू, अच्छे से पढ़ा दीजिए, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए आराम से। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। कौन कौन स्टूडेंट हैं, कौन कौन है हमारे, कौन कौन से तेज तरार स्टूडेंट है? शुभ बाबू डू फास्ट, नहीं बनेगा तो फिर देखते हैं। शिवम कुमार, नेक्स्ट है सतीश का बारी, बाद है शिवानी का, आप ही को इसमें स्टेप बाय स्टेप बताना, 1 मिनट में हमको इसको सॉल्व कर लेना। 3 + 2 √2। आप आंसर बोल रहे हैं शुभ जी? जी सर। कितना आया है? 3 + 2 √2। हाँ बाबू 3 + √2 √2 है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए तो आप लोग सब पीछे रह गए, हमारे जो बाद वाले स्टूडेंट आते हैं ना ज्यादा टैलेंटेड आते हैं, और जो पीछे वाले हैं वो बेचारे पीछे ही रह जाते हैं। 3 + √2 √2 बाबू, 3 + 2 √2 3 + 2 √2 हाँ बाबू, वेरी गुड वेरी गुड। आपका प्रकाश सिंह नहीं आया सर, नहीं आया सर, क्वेश्चन 14 है, 13 लिखे हैं। अच्छा ये सर आप उल्टा पुल्टा नहीं लिख रहा सर, बहुत इजी तो था, 3 √3 + 2 √2। कहाँ गलत हो गया सर ये प्रकाश सिंह बाबू? प्रकाश सिंह कहाँ गलत हो गया? यस सर 3 + 2 √2। यस सर 3 + 2 √2। प्रकाश सिंह थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है बाबू, थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपका बेसिक है मेन, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यही यही इशू हो रहा है, और कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वर्क हार्ड कीजिए,
हाँ तो कौन है शिवानी आपका हुआ बाबू शिवानी बाबू नेक्स्ट टर्न है शिवानी का बताइए लिखिए इनटू लिख हाँ चलिए बोलिए हम लिखते हैं अभी इसको हम सॉल्व करते हैं आप बोलिए हाँ रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन हाँ बाबू किससे करें जल्दी बोलिए शिवानी बोलते चलिए क्या करें टू प्लस हाँ बताइए यहाँ पे प्लस वन अरे शैतान यहाँ चले ठीक है बहुत वेरी वेरी गुड हाँ रूट टू प्लस वन आफ्टर देन बाबू फिर नीचे वही लिखे रूट टू प्लस वन हाँ इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए मतलब क्या सर इसको मल्टीप्लाई करके बोलिएगा रूट टू प्लस वन है बाबू और ये रूट टू प्लस वन है अब बाबू कितना है रूट टू माइनस वन है और ये बाबू क्या है रूट टू माइनस वन अब इसको मल्टीप्लाई करके बोलिए बाबू जल्दी से प्लस वन ना होगा आप माइनस लिखे सेकंड वाले सर प्लस होगा ना नीचे डिनोमिनेटर में रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन अच्छा ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करके बोलिए जल्दी से बोलिए शिवानी रूट टू हाँ रूट टू जल्दी बोलिए जल्दी बाबू हाँ बोलिए सर स्क्वायर में हो जाएगा वो वाला क्या बाबू क्या आप बोल रहे थे सर मतलब रूट टू का स्क्वायर बोल रही हैं अच्छा रूट टू का स्क्वायर बोल रहे हैं अच्छा ठीक है बाबू आफ्टर देन बाबू फिर हो जाएगा प्लस प्लस वन ठीक है आफ्टर देन बाबू फिर लिखिए सर फिर लिखिए रूट टू रूट टू फिर प्लस वन सर वहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा गलती हुई यहाँ स्क्वायर नहीं होगा नहीं अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं होगा फिर नीचे लिखिए फिर नीचे